Dear students, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss today meaning, duties and rights of finder of goods. Who is finder of goods? A person who finds the goods belonging to some other and takes them in possession is called finder of goods. यानी जो व्यक्ति किसी की पड़ी हुई चीज पाता है और अपने पजेशन में ले लेता है वो फाइंडर ऑफ गुड्स पड़ी हुई चीज पाने वाला व्यक्ति कहलाता है. इट मे बी नोटेड दैट द पर्सन हु फाइंड द गुड्स बिलोंगिंग टू अदर इज नॉट बाउंड टू टेक देम इन हिज पजेशन. ही मे आर मे नॉट पिक द गुड्स बट वंस ही पिक्स अप द गुड्स found and takes them into his possession, he becomes the bailee of such goods. यानी कोई चीज पड़ी हुई है उसको पिकअप करने के लिए कोई भी व्यक्ति बाउंड नहीं है, चाहे वो उसे पिकअप करे और चाहे न करे. लेकिन यदि एक बार वो पिकअप कर लेता है, अपने पजेशन में ले लेता है, सेक्शन 71 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट declares him finder of goods, bailee. Section 71 provides a person who finds goods belonging to another and takes them into his possession. He is subject to the same responsibility as a bailee. यानी वही उसकी उसका दायित्व होगा जो बेली का होता है. यानी यदि आपने कोई पड़ी हुई चीज पाई है और उसको अपने पजेशन ले लिया है तो आप तुरंत उसके जो है बेली हो जाएंगे और आपकी ड्यूटीज हो जाएगी. ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल, उचित सावधानी का आप कर्तव्य. ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स, उन्हें लौटाने का कर्तव्य. ड्यूटी टू नॉट टू यूज अनऑथराइज यूज, अपराधिक उपयोग न करने का कर्तव्य. ड्यूटी नॉट टू मिक्स अप द गुड्स, अपने चीजों में न मिलाने का कर्तव्य. ड्यूटी टू रिटर्न इंक्रीज इन द गुड्स, बढ़ी हुई चीजों से लौटाने का कर्तव्य. और ड्यूटी टू मेक इफर्ट टू फाइंड द ट्रू ओनर, सही व्यक्ति या सच्चे स्वामी या जिसकी चीज थी रियल ओनर को ढूंढने का कर्तव्य. इसको एक हम इलस्ट्रेशन से और अच्छे ढंग से समझते हैं सकते हैं. जैसे कि एक लावारिस आपको गाय मिलती है और आप उसको बांध देते हैं, तो जैसे ही आपने बांध दिया आपकी ड्यूटी शुरू हो गई कि आप उसकी केयर करते हैं, उसको चारा पानी दें, दाना पानी दें, बीमार हो जाए तो उसका इलाज कराएं, सही जगह पर रखें. और यदि इस दौरान उसका बछड़े का जन्म हुआ है तो बछड़े सहित उसको लौटाएं और साथ साथ रियल ओनर को भी ढूंढने का पूरा प्रयास करें और जैसे ही मिल जाए उसको लौटा दें. तो ये तो ड्यूटीज हुई. जो है राइट्स भी कुछ होते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स के. पहला है राइट ऑफ लियन. सेक्शन 168 का पैरा फर्स्ट है, पार्टिकुलर लियन जो है फाइंडर ऑफ गुड्स को प्राप्त होता है. जब कोई चीज पड़ी हुई पाता है तो उसको सुरक्षित रखने में या ट्रू ओनर को ढूंढने में उसका कुछ खर्च भी होता है. तो जब तक उसका वो खर्च, जितना खर्च उसने ट्री ओनर को ढूंढने में लगाया है या जितना खर्च उसको सुरक्षित रखने में लगाया है, वो जितना खर्च पूरा का पूरा खर्च जब तक नहीं मिल जाता है तब तक वो उन चीजों को अपने पास रोक सकता है, रिटेन कर सकता है, पार्टिकुलर लियन होता है. लेकिन वो सूट नहीं फाइल कर सकता उनकी वसूली के लिए, मुकदमा नहीं कर सकता है जो है रियल ओनर पर. सेकेंड राइट है राइट टू फाइल ए सूट फॉर रिवार्ड. पैरा सेकेंड है सेक्शन 168 का. कभी कभी जो है ट्रू ओनर जो होता है जब चीज उसकी खो जाती है तो रिवार्ड डिक्लेयर करता है कि जो भी व्यक्ति उसको वापस देगा, है ना, जिसने पड़ी पाई होगी वापस देगा उसको इतना अमाउंट जो है इनाम दिया जाएगा, रिवार्ड दिया जाएगा. तो रिवार्ड के लिए वो सूट भी फाइल कर सकता है और पार्टिकुलर लियन जब तक कि उसे वो रिवार्ड की रकम न मिल जाए पार्टिकुलर लियन भी एक्सरसाइज कर सकता है.
थर्ड है राइट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, कुछ परिस्थितियों में सेक्शन 169 है उसे सेल करने का बेचने का भी राइट होता है। द फाइंडर में सेल द गुड्स फाउंड व्हेन द गुड्स फाउंड कैन सोल्ड इन द मार्केट एंड द ट्रू ओनर कांट बी फाउंड आफ्टर रीजनेबल सर्च, यानी वो चीज मार्केट में बिकती है जो पड़ी हुई पाई थी और काफी प्रयास के बाद जो है ट्रू ओनर ढूंढे नहीं मिला है, या जो है इफ द ट्रू ओनर इज फाउंड ही रिफ्यूजेस टू पे द लॉफुल चार्जेज, रियल ओनर मिल तो गया है लेकिन लॉफुल चार्जेज जो बेली के फाइंडर ऑफ गुड्स के थे वो जो है नहीं दे रहा है, तब भी वो कुछ परिस्थितियों में बेच सकता है। व्हेन द थिंग इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग द ग्रेट पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू व्हेन द गुड्स आर पेरिशेबल नेचर, यानी चीज वो ऐसी है कि लंबे टाइम तक रोकी नहीं जा सकती, खराब हो जाएगी, उसका मूल्य कम हो जाएगा और साथ साथ जो है लॉफुल चार्जेज के जो फाइंडर ऑफ गुड्स है कि 2/3 है, यानी 1,500 की चीज है 1,000 से ज्यादा जो है वो फाइंडर ऑफ गुड्स खर्च कर चुका है तो वो बेच भी सकता है। ओके okay.